अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूँ जमरीन फारूक और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। एक कहावत है कि बहती गंगा में हाथ तो सब ही धोते हैं। ऐसा ही आजकल भारत में देखा जा रहा है, जहाँ एक समुदाय के लोगों को लगातार टारगेट किया जाता रहा है। उसी वजह से कर्नाटक का हिजाब मामला अब सिर्फ भारत का ही नहीं रहा, पूरे मुल्क का मसला बना हुआ है। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक को लेकर कुछ देशों की ओर से की जा रही आलोचना का भारत ने जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारे आंतरिक मामलों में किसी खास मकसद से प्रेरित बयानबाजी का स्वागत नहीं किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान ने भारत में हिजाब विवाद पर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है और कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक कर्नाटक राज्य के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के अधीन है। किसी भी मसले का समाधान के लिए हमारे संवैधानिक ढांचे के अनुरूप विचार होता है और हल निकाला जाता है। बयान में कहा गया है, जो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें इन तथ्यों की सही समझ होगी। हमारे घरेलू मसलों पर किसी मकसद से प्रेरित बयानबाजी का स्वागत नहीं किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने वाली अमेरिकी सरकार की एक संस्था ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने की मांग को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक की आलोचना की थी। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के राजदूत रशद हुसैन ने कर्नाटक में छिड़े विवाद को लेकर ट्वीट किया, स्कूलों में हिजाब पर रोक धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन करती है। उन्होंने लिखा था, धार्मिक आज़ादी में किसी को अपनी धार्मिक पोशाक चुनने की स्वतंत्रता मिलनी भी शामिल है। भारत के कर्नाटक राज्य को धार्मिक पोशाकें तय नहीं करनी चाहिए। स्कूलों में हिजाब प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ये महिलाओं और लड़कियों को कलंकित करता है और साथ उन्हें हाशिए पर डालता है। कर्नाटक का हिजाब मामला लगातार जोरों पर है। देश हो या विदेश, हर जगह से हिजाब मामले पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का सोमवार को आने वाला फैसला किसके हक में होता है और इस फैसले पर जनता का क्या रुख होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या राय है हिजाब मामले पर, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com